जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस प्रैक्टिकल में हम सीड मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिन करना सीखेंगे। सो बेसिकली सीड मॉइस्चर डिटरमिन करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड में आगे दो टाइप्स हैं, एक लो कॉन्स्टेंट ओवन ड्राई मेथड और एक हाई कॉन्स्टेंट ओवन ड्राई मेथड। बेसिकली ये मेथड जो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का रिकमेंडेड है। इसका जो है रिकमेंड करती है कि मॉइस्चर डिटरमिनेशन के लिए आप ओवन ड्राई मेथड को जो है वो प्रेफर करें। इसमें हम करते क्या हैं कि हम सीड सैंपल लेते हैं, उस सीड सैंपल को हम पहले उसका फ्रेश वेट नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको जो है ओवन के अंदर ड्राई करते हैं। अब ड्राइंग के लिए टेम्परेचर हमने कितना रखना है और ड्यूरेशन कितना रखना है ये वेरी करता है दो मेथड जो मैंने पहले आपको बताया, लो कॉन्स्टेंट ओवन मेथड और हाई कॉन्स्टेंट ओवन मेथड। लो कॉन्स्टेंट ओवन मेथड के अंदर हम सीड सैंपल को जो है वो फ्रेश वेट लेने के बाद 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 17 आवर्स के लिए हम जो है वो ड्राई करते हैं। ड्राइंग के बाद हम सैंपल को दोबारा निकाल लेते हैं, उसका दोबारा से ड्राई वेट लिया जाता है और फिर उस ड्राई वेट को जो है हम यूज़ करते हैं फार्मूला के अंदर, जिसमें हम मॉइस्चर लॉस की बेस पे जो है वो सीड मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हाई कॉन्स्टेंट ओवन मेथड के अंदर जो है टेम्परेचर वो वेरी करता है। ठीक है, उसमें टेम्परेचर जो है वो 131 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और उसको जो है वो ड्राइंग ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है 2 से 4 आवर्स तक। ठीक है, कुछ क्रॉप के लिए 2 घंटे हैं, कुछ के लिए 4 घंटे तक जो है उसको ड्राई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ की बात करें तो 4 जो है आवर्स के लिए उसको जो है वो ड्राई करते हैं। तो जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसमें हमें डेफिनेटली हमारे पास विंग बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास सीड सैंपल होना चाहिए, इसके अलावा मेटल कंटेनर या चाइना डिश जिसके अंदर हमने रख के जो है सीड सैंपल को ड्राई करना है, इसके अलावा हमारे पास ड्राइंग ओवन होना चाहिए। अब जो ओवन है उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि उसमें जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेम्परेचर भी सेट किया है अगर 70 के ऊपर तो वो 72 हो सकता है, 68 हो सकता है, यानी 2 डिग्री से ऊपर उसकी वेरिएशन नहीं जानी चाहिए। या हमने जैसे 103 पर फिक्स करना है तो वो 101 हो सकती है, 105 हो सकती है, इससे ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ओवन मेथड जो है वो ओवन चाहिए होता है हमें। इसके अलावा हमने डेफिनेटली जो है फोर्सेप्स हमें हमारे पास होनी चाहिए, सैंपल वर्किंग के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो सब इसी तरह आप स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर ये हमारे पास जो है सीड सैंपल आया है अल्फा अल्फा का, तो इसका हम मॉइस्चर डिटरमिन करेंगे। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है, सीड सैंपल लेना होता है। अब जो वर्किंग सैंपल मॉइस्चर टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली जो है वो 5 to 10 ग्राम्स तक होता है। सो इसका हम कोशिश करेंगे कि हम 5 ग्राम जो है वो सीड इसको लें, और जो हमारा वेइंग बैलेंस है उसकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 3 डिजिट्स तक जो है वो नोट कर सकता हो। सो हमारे पास ये 4 डिजिट्स तक नोट करने वाला बैलेंस मौजूद है। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हम अपना मेटल कंटेनर लेंगे, उस मेटल कंटेनर को बैलेंस के अंदर रखा हमने और उसको टेयर कर लेंगे, इसका इनिशियल वेट जो है उसको हम इसमें से निकाल लेंगे। टेयर करने के बाद हम इसमें जो है वो सीड सैंपल 5 ग्राम्स तक जो है वो रखेंगे और उसको जो है हम नोट कर लेंगे। इस तरह से हमने जो है अराउंड 5 ग्राम सैंपल वे करना है। आप
ये अराउंड 5 ग्राम हमने वेट नोट कर लिया। इसको हमने 3 डिजिट्स तक जो है वो नोट कर लेना है। ये हमारी पहली रेप्लिकेशन होगी। इसी तरह हमने 4 रेप्लिकेशन जो है वो रखनी है। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हमने जो है वो नोट डाउन कर लेने। तो ये हमारे पास इनिशियल वेट आ गया। इस तरह से जो है हमने चारों डिफरेंट सैंपल्स जो हैं, 4 रेप्लिकेशन जो हैं वो मेजर कर लेनी है। ठीक है, उन चारों रेप्लिकेशंस को, चारों वेट सैंपल्स को हम फिर जो है इस तरह ओवन के अंदर जो है वो रख के उसका टेम्परेचर जो है वो सेट करना है। अब हमने कोशिश ये करनी होती है कि जब हम सैंपल ओवन के अंदर रखने जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी जो है वो सेट लिमिट पे पहले से पहुंचा हो। ठीक है, सो आपने ये केयर करनी है कि इस टेम्परेचर को आप पहले से जो है, जो हमारा सेट टेम्परेचर है जो हमने रिक्वायर्ड है, अब इसको हमने लो कांस्टेंट मेथड से जो है वो ड्राई करना है। तो ये हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर 103 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। सो इसका बेस्ट वे क्या है कि आप जब सैंपल स्टार्ट करने लगो तो आप उससे जो है ना हाफ आवर पहले जो है वो टेम्परेचर सेट करके उसको उसके जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर रख देंगे। सो अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले ऑन किया, ये 70 पे है। ये जब इसको जो है अपने 103 जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस पर पहुँचता है तो फिर उसके बाद जो है इसमें चारों सैंपल जो हैं वो रखे जाएंगे। फिर इसके बाद सैंपल्स को ड्राई जब कर लेते हैं आप, तो उनको दोबारा आपने निकाल के उनका जो है वो वेट करना होता है। ठीक है, कोशिश करें कि आप जो है वो उसको जो है, अगर आपके पास लैब में डेसिकेटर अवेलेबल है तो पहले थोड़ी देर के लिए उनको कूल डाउन होने के लिए डेसिकेटर में रखें। ठीक है, जब वो डेसिकेटर में कूल डाउन हो जाए देन उसके बाद आप उसको दोबारा रख के उसका जो है वो टेम्परेचर नोट, उसका सॉरी ड्राई वेट जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर आप जो ड्राई फ्रेश वेट और ड्राई वेट का जो डिफरेंस आता है उसको आप निकाल के आप सीड मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो है वो ड्राई वेट आता है 4.976 आफ्टर ड्राइंग। तो इन दोनों वेट को यूज़ करते हुए आप मॉइस्चर परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें आप करेंगे फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट ओवर फ्रेश वेट मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अब ये जो मॉइस्चर परसेंटेज निकली है ये फ्रेश वेट बेसिस पे है। अगर आप इसको फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट ओवर ड्राई वेट करके जो है इसका मॉइस्चर निकालते हैं तो ये मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो ड्राई वेट बेसिस पे आएगी। तो इस तरह से दो मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फ्रेश वेट बेसिस और ड्राई वेट बेसिस पे जो है आप मॉइस्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो इस इसमें आया है, हमारा है फ्रेश वेट था 5.021, उसमें से हम ड्राई वेट माइनस करेंगे 4.976 और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं ड्राई वेट पे ही 4.976 और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो मॉइस्चर परसेंटेज निकल आएगी। तो इस तरह इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके आप सीड की जो है वो मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर सीड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग स्टार ओवन ड्राई मेथड।